हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसके कार कस्टम। आज मैं आपको डिटेलिंग करने वाली हूँ सिरेमिक कोटिंग के बारे में। और आज हमारे पास जो गाड़ी आई हुई है सिरेमिक कोटिंग के लिए, वो है महिंद्रा स्कॉर्पियो S11। तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ जो गाड़ी पे स्क्रैचेस आए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत सारे स्क्रैचेस गाड़ी पे दिख रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। सबसे पहले गाड़ी के जो एंट्री गेट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि क्रोम, प्लास्टिक्स, लोगोस, उस पर मास्किंग किया जाता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जब भी हम पॉलिशिंग करें तो इनके ऊपर मशीन ना जाए, वरना ये सेंसिटिव पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं या फिर इनके ऊपर के कलर भी उड़ने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए ये मास्किंग करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग एंड पॉलिशिंग। इस प्रोसेस में सोल्स एंड स्क्रैचेस हटाए जाते हैं। जो व्हाइट कलर का सॉल्यूशन यूज किया है उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत बारीकी से पॉलिशिंग किया जाता है ताकि माइनर से माइनर स्क्रैचेस भी हटा सके। कंपाउंडिंग यूज इसलिए किया जाता है ताकि जो हेवी डैमेज रहता है उसको हटा सके एंड ऑक्सीडाइज पेंट क्लियर हो जाता है। उसे क्या होता है, ओरिजिनल कलर ग्लो करने लगता है। उसके बाद क्लीन माइक्रोफाइबर से गाड़ी को वाइप किया जाता है। लास्ट में क्लीन वाइपर से पूरी गाड़ी को वाइप किया जाता है। अभी मैं आपको कंपैरिजन दिखाती हूँ। अभी जो देख रहे हो ये विदाउट सिरेमिक कोटिंग वाली साइड है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें स्क्रैचेस दिख रहे हैं। और इस साइड पे सिरेमिक कोटिंग किया हुआ है, इसलिए ये साइड ग्लो कर रही है। एक भी सोल मार्क या स्क्रैच आपको नज़र नहीं आएगी। तो आइए आपको दिखाते हैं गाड़ी का फाइनल लुक। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।